मतलब समस्त जीव ईश्वर को जाने ये वेदों का इशारा है और ये भी वेदों ने बताया कि केवल मनुष्य ही उस ईश्वर को जान सकता है क्योंकि ज्ञान प्रधान और पुरुषार्थ युक्त होना ये दोनों पॉइंट केवल मनुष्य के पास ही हैं इसीलिए बड़े बड़े स्वर्ग के देवता भी इस मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं जबकि देवताओं का शरीर तेइजस होता है पंच महाभूत का बना हुआ नहीं होता और उनकी ज्ञान एवं क्रिया शक्ति भी मनुष्यों से करोड़ों गुना अधिक होती है फिर भी वो मनुष्य शरीर चाहते हैं क्योंकि केवल मनुष्य शरीर से ही ईश्वर को जाना जा सकता है ईश्वर का आनंद प्राप्त किया जा सकता है लेकिन इस मनुष्य शरीर में एक दोष है और वो ये कि ये क्षण भंगुर है कब छिन जाए कुछ पता नहीं अतः हमें अपने लक्ष्य परमानंद की प्राप्ति का प्रयत्न शीघ्रातिशीघ्र करना है हमें शीघ्र ईश्वर को जानना है तो हमारे सामने प्रश्न आया कि हम ईश्वर को क्यों जाने ईश्वर को क्यों चाहें ईश्वर से हम प्यार क्यों करें तो आप लोगों को बताया गया कि प्रत्येक जीव केवल ईश्वर को ही तो चाहता है प्रत्येक जीव केवल ईश्वर से ही तो प्यार करता है ये बात सुनने में हमें कुछ अटपटी सी लगी क्योंकि हम तो ऐसा देखते हैं कि कुछ व्यक्ति आस्तिक हैं, तो कुछ नास्तिक भी हैं कुछ लोग अच्छे हैं तो कुछ बुरे भी हैं तो फिर ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि संसार का प्रत्येक जीव ईश्वर से ही प्यार करता है आज मैं आपके सामने ये सिद्ध करूंगी कि संसार के समस्त जीव ईश्वर को जानते ही नहीं अपितु मानते भी हैं मानते ही नहीं उनसे हमारा अनन्य प्रेम भी है कैसे देखिए विश्व में जो भी कुछ चहल पहल दिखाई दे रही है जो भी कुछ वर्क हम कर रहे हैं क्यों हम केवल दो प्रकार के कर्म कर रहे हैं एक मानसिक कर्म और एक मानसिक प्लस शारीरिक कर्म यानी एक में हम केवल सोचते हैं और दूसरे में हम सोचते भी हैं और शरीर से भी कर्म करते हैं लेकिन ऐसा क्यों दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है कि प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपिन प्रवर्तते प्रयोजन के बिना मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी कुछ भी कर्म नहीं कर सकता यहां तक कि जो पागल खाने वाला पागल होता है ना उसके कर्म का भी कुछ ना कुछ प्रयोजन अवश्य होता है आप कहेंगे उसके कर्म का क्या प्रयोजन होगा वो तो पागल है हम्म hmm. जैसे हम लोग पागल खाने वाले पागल को पागल कहते हैं ना ऐसे ही महापुरुष लोग हमको पागल कहते हैं क्योंकि हमने पागलों की क्या परिभाषा बनाई है जो अपने आप को न जाने अपने बाप को न जाने अपनी माँ को न पहचाने अच्छा बुरा क्या है ये ना समझे उसको हम कहते हैं ये पागल है उसको हम पागल खाने में बंद कर देते हैं लेकिन यदि मैं आप में से किसी से पूछूं, आपका परिचय आप कौन हैं तो आप कहेंगे आप कलेक्टर साहिब हैं मैंने आपकी पोस्ट नहीं पूछी मैंने आपका परिचय पूछा है कि आप कौन हैं? जी आप आर एस त्रिपाठी हैं मैंने आपका नाम नहीं पूछा मैंने आपका परिचय पूछा है जी जी आप मनुष्य हैं मनुष्य ये तो बॉडी का नाम है शरीर का नाम है मैं आपके शरीर को तो देख रही हूँ आप तो शरीर नहीं है ना जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो लोग कहते हैं ना आज चार बजे रमेश संसार से चला गया लेकिन हजारों लोग उसका दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो जब वो चार बजे संसार से चला गया तो आप किसका दर्शन करने जा रहे हैं अजी वो तो चला गया लेकिन उसका शरीर अभी है तो वो जो चार बजे चला गया उसका परिचय क्या है हाँ जी वो तो हम नहीं जानते तो अगर आप अपने को नहीं पहचानते नहीं जानते तो इसका मतलब आपको पागल खाने में बंद कर देना चाहिए किसी दूसरे व्यक्ति से पूछा जाए आप कौन है आपका परिचय जी मैंने सुना है कि मैं आत्मा हूं परिचय बताने का कौन सा ढंग है जैसे किसी से पूछा जाए आपका नाम जी जी मैंने ऐसा सुना है कि मेरा नाम दिनेश है अरे आप कहते हैं कि आप आत्मा हैं आपको कॉन्फिडेंस है नहीं कॉन्फिडेंस तो नहीं है लेकिन सुना है पढ़ा है ग्रंथों में कि हम आत्मा हैं तो इसका मतलब आप अपने आप को नहीं जानते नहीं पहचानते जी तो फिर आपको पागल खाने में बंद कर देना चाहिए जी तो फिर मैं पागल खाने से बाहर क्यों हूँ नहीं हम पागल खाने से बाहर नहीं हैं स्पिरिचुअल गवर्नमेंट का ये चौरासी लाख प्रकार की योनियों का जो पागलखाना है जेल है इसमें हम लोग कैदी के रूप में रखे गए हैं बड़े बड़े संत महात्मा हमारे इलाज के लिए आते हैं स्वयं भगवान भी हमारे इलाज के लिए आते हैं जो थोड़े समझदार कैदी हैं समझदार पागल हैं यानी कम पागल हैं और वो भगवान के शरणागत हो जाते हैं संतों की बात मान लेते हैं तो वो इस चौरासी लाख प्रकार की जेल से रिहा कर दिए जाते हैं और अपने धाम में पहुंच जाते हैं गोलोक धाम साकेत धाम और जो ऐसे कैदी हैं ऐसे पागल हैं कि अपने को पागल ही नहीं मानते संतों की बुराई करते हैं वो इसी प्रकार से चौरासी लाख प्रकार की जेलों में घूमते रहते हैं और अगर उनसे कह दिया जाए आप जरा क्रैक हैं क्रैक क्या कहा आपने हमको क्रैक कहा अरे आप तो फुल मैड हैं पूरे पागल हैं अपने को नहीं पहचानते हमने तो जरा क्रैक कहा और आपको बुरा लग गया और अगर किसी से कहा जाए आप तो सर्वज्ञ हैं महात्मा हैं जी आप भी क्या बातें करते हैं हम कहाँ सर्वज्ञ हैं तो क्यों जी आपको सर्वज्ञ कहा जाता है तो भी आपको ऐतराज़ है आपको अल्पज्ञ कहा जाता है तो भी आपको ऐतराज़ है फिर आप क्या हैं? तो देखिए चाहे पागल खाने वाला पागल हो और चाहे इस बड़े पागल खाने में रहने वाले हम लोग हम भी पागल हैं और चाहे महापुरुष हों वो भी पागल हैं